तो हाय गाइस, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पास पजी स्टोरीज बाय हरीश। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं VFS सेंटर्स के बारे में, उसके बाद बात करेंगे फ्लाइट्स के बारे में, कौन कौन सी कंट्रीज की बैन हो रही है और क्या सीन चल रहा है। तो आपको बनना वीडियो में एंड तक, बिना किस टाइम को वेस्ट किए हम टेक ऑफ करते हैं। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, सेफ होंगे। तो जैसा कि आपने रिसेंटली देखा कि अभी इंडिया की कई मेजर सिटीज़ में लॉकडाउन लगा हुआ है, जैसे कि दिल्ली वगैरह में लगा हुआ है। अगर हम बात करें राजस्थान में, तो ऑल ओवर सारी सिटीज़ में लॉकडाउन है। तो कई मेजर सिटीज़, मुंबई सब में लॉकडाउन चल रहा है। तो गाइस, इसके चलते VFS सेंटर्स जो हैं, कई कंट्रीज़ के जो ओपन थे इंडिया के अंदर, वो सारे अभी बंद हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं टेम्प्रेरी। तो गाइस, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं उस लिस्ट के अंदर और किन किन सिटीज़ में वो बंद हुए हैं और कब तक खुलने का सीन है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो गाइस, अब मैं सारी कंट्रीज़ के नाम ले रहा हूँ जिनके VFS सेंटर रिसेंटली इंडिया में अभी सस्पेंडेड हुए हैं या कुछ टाइम के लिए बंद हुए हैं। सबसे पहले गाइस है ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, थाईलैंड, यूक्रेन, मोरक्को, लेबनान, बेलारस, डोमिनिकन रिपब्लिक, कैनेडा और डेनमार्क है इसमें गाइस, और अगर हम बात करें जॉर्जिया, जर्मनी गाइस, इन सब के जो VFS सेंटर हैं वो रेस्पेक्टेड सिटीज़ में अभी बंद हो चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, कोची, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु गाइस, इन सब में जो भी VFS सेंटर हैं इन कंट्रीज़ के, वो अभी फ़िलहाल बंद चल रहे हैं। गाइस देखिए, अभी सभी मेजर सिटीज़ में जो है लॉकडाउन चल रहा है, उसके चलते अगले नोटिस तक ये VFS सेंटर बंद रहने वाले हैं। तो गाइस, जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो भी डिले होगी। जिन्होंने भी अपॉइंटमेंट लिए हुए हैं कस्टमर्स ने, उनको एम्बेसी या VFS सेंटर दोनों में से एक, किसी भी एक की तरफ से कॉल आएगा और जब ये चीज़ ओपन होगी तब आपको वहाँ उनके अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। क्योंकि गाइस, काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट थे इन 10-20 दिनों के अंदर जो भी अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो उसको वो व्यवस्थित करेंगे जब ये सारी सर्विसेज रिज्यूम होंगी। ये जो मेन कंट्रीज़ हैं इनके अभी VFS सेंटर, वीज़ा सर्विसेज, सारे प्रोग्राम्स अभी बंद चल रहे हैं। तो गाइस देखिए, रिसेंटली अभी फ़्लाइट्स भी बंद हुई हैं। फ़्लाइट्स की अगर बात करूँ तो काफ़ी सारी कंट्रीज ने फ्लाइट बंद कर दिया है। अगर मैं बात करूँ, अभी कुवैत ने अनाउंस किया कि वो फ़्लाइट बंद कर रहे हैं, दुबई ने कर दिया, कनाडा ने अनाउंस कर दिया, हांगकॉन्ग ने अनाउंस कर दिया। काफ़ी सारी कंट्रीज़ अनाउंस कर रही हैं इंडिया से फ़्लाइट बैन। 3-4 महीने पहले की बात करूँ या नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तब तक सीन सही चल रहा था। कोविड का इतना कोई जो मतलब फ़्लाइट बैन वगैरह ये सब नहीं था। और अगर हम बात करें कि इंडिया से अगर आपको किसी भी कंट्री जाना है, तो दुबई एक पैसेज था वहाँ से निकलने का। लेकिन गाइस, अभी दुबई की फ़्लाइट्स ही बैन हो गई है फॉर 10 डेज़। मतलब दुबई जैसी कंट्री ने फ़्लाइट बैन कर दी, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रांजिट देने वाली कंट्री थी इंडियंस को। तो गाइस, आप देखिए कितना बड़ा यहाँ नुकसान हो रहा है टूरिज्म इंडस्ट्री को। जिन लोगों को जाना है वो और नहीं जा पा रहे, और दुबई की जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो भी अभी बंद चल रही है। तो ऐसा ही सेम गाइस कनाडा के साथ है। कनाडा ने भी फ़्लाइट बैन की है रिसेंटली, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप इनडायरेक्ट फ़्लाइट लेके कनाडा में आ सकते हैं। लेकिन गाइस, इनडायरेक्ट फ़्लाइट लेने का सबसे अच्छा तरीका दुबई ही था। सबसे अच्छा जो एक पैसेज था वो दुबई था, लेकिन दुबई ने भी अभी फ़्लाइट बैन कर दी। तो एक बहुत बड़ा नुकसान है गाइस ये हमको। ऐसे अगर हम बात करें, अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग अपने रूल्स निकाल दिए हैं। तो अभी ट्रैवलिंग करना मेरे हिसाब से तो कोई भी एक मतलब वाली बात नहीं है, अनटिल अनलेस आपको कोई इमरजेंसी है। इमरजेंसी में सारी सर्विसेज ओपन हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप कंट्रीज़ को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप VFS को ईमेल कर दीजिए या फिर आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ट्रैवलिंग। बाकी नॉर्मल ट्रैवलिंग जो है गाइस, वो अभी पूरी तरह से इन सभी कंट्रीज़ के लिए बैन चल रही है। धीरे धीरे हो सकता है और कंट्रीज़ भी फ़्लाइट बैन कर दें इंडिया के लिए। तो गाइस, ये हमारे लिए एक बुरी बैड न्यूज़ है। तो गाइस, यही था आज की वीडियो में। बस ये मेन आपको मेजरली कंट्रीज़ का बताना था कि इंडियन कंट्रीज़ ने इंडिया में अपनी प्रोसेसिंग भी बंद कर रखी है। वीज़ा प्रोसेसिंग VFS सेंटर बंद चल रहे हैं। और मेजर कंट्रीज़ जो हैं, कुवैत हो गया अपना, इसके अलावा अगर अपन बात करें दुबई, कनाडा, हांगकॉन्ग, इन सब ने इंडिया से जो अपना एयर बबल एग्रीमेंट है वो फिलहाल अभी सस्पेंड कर रखा है। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन से हेल्प मिली होगी। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलते हैं रियल टाइम नोटिफिकेशन। मिलेंगे ऐसे किसी अच्छे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।